भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल विज्ञापन इंटरव्यू फिल्म प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया मोबाइल नंबर 9350816300 ईमेल आईडी है सिने आजकल india@gmail.com। नमस्कार, स्वागत है आपका सिने आजकल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी के शिव कुमार के घर और उनके रिजॉर्ट पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। बंगलुरु के इसी गल्टन रिजॉर्ट में गुजरात कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को शक था कि रिजॉर्ट में बड़ी मात्रा में नकदी छुपा कर रखी गई है। इसी सिलसिले में अधिकारियों ने कांग्रेस विधायकों के कमरे के अलावा वहाँ मौजूद सभी वाहनों की भी तलाशी ली। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी के शिवकुमार के घर हुए छापेमारी के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जहां पर कांग्रेस के विधायक छुपे हुए हैं वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक मंत्री के घर पर छापा पड़ा और उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट के साथ साथ 39 और जगहों पर भी छापे मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ के दौरान मारे गए लश्कर कमांडर अबू दुजाना की जगह अबू इस्माइल लेगा। इस्माइल को अबू दुजाना की करीबी बताया जा रहा है। बता दें कि इस्माइल वही आतंकी है जिसने पिछले महीने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का इस्तीफा 3 साल की मोदी सरकार की सबसे बड़ी इस्तीफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्रचारी से योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग की नींव रखी और उसे देश के आर्थिक सामाजिक नीतियों के निर्धारण का काम दिया था। मोतिहारी में पहाड़पुर थाने में नरकटिया चौक के पास ट्रक के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम वीरेंद्र पासवान बताया जा रहा है। बता दें कि शख्स की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। मोतिहारी में स्थित नरसिंह बाबा मठ में जन अधिकार छात्र परिषद की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मोनू कुमार ने की। जिला मीडिया प्रभारी आकाश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी 9 अगस्त को पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल पर धरना दिया जाएगा। मोतिहारी के इजरा में 5 दिवसीय योग चिकित्सा सहयोग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बाबा रामदेव की शिष्या अंजू बहन ने लोगों को योग प्रशिक्षण दिया। मौके पर उनके सहयोगी चंदन तिवारी, मनोज मिश्र, अनुराग मिश्र, ओम प्रकाश मिश्र मौजूद थे। भ्रष्टाचार का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ बिहार में दोबारा सरकार बनी नीतीश कुमार की नई नवेली कैबिनेट की छवि भी कुछ खास साफ सुथरी नहीं है। चुनाव वॉचडॉग संस्था द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार की कैबिनेट में 29 में से 22 यानी 76% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के सभी 11 संसदीय सचिवों को मंत्री की तर्ज पर कार्य करने में रोक लगा दी है। इन्हें मंत्रियों की तरह वेतन भत्ते, गाड़ी और सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वे न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने विधानसभा के संसदीय सचिवों के दायित्व पर कोई रोक नहीं लगाई है। ब्लूवेल नाम का ऑनलाइन खूनी गेम अब भारत में भी दाखिल हो रहा है। ताजा मामला मुंबई के 14 साल के मनप्रीत का है जिसने गेम के चैलेंज को पूरा करने के लिए 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। यही नहीं, इस गेम ने दुनिया में अब तक 200 से ज़्यादा युवाओं को मौत की नींद सुला दिया। देहरादून में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ के एक स्कूल में टीचर ने कुछ ऐसा किया जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। घटना के बाद से छात्राएं सदमे में हैं। खबर है कि जेपी इंटरनेशनल स्कूल में एक अध्यापिका ने छात्राओं को निर्वस्त्र कर पूरे स्कूल का राउंड लगवाया। उनकी गलती बस इतनी थी कि उनके अंग्रेजी के टेस्ट में नंबर कम आए थे, जिससे गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुँच कर हंगामा कर दिया। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे को BRO और जिला प्रशासन की मदद से एक वैली ब्रिज बनाकर खोल दिया गया। हालांकि रास्ते को सुचारित तरीके से खोलने की बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि 2 दिन पहले भारी बारिश की वजह से भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो गया था। इसके चलते 2 दिन से तमाम दूर दराज से आए यात्रियों को अलग अलग जगह पर आश्रमों में ठहराया गया था। GST लागू होने के बाद कीमतों में कमी और डीलरों पर नए स्टॉक की आपूर्ति के बीच देश के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों की जुलाई में बिक्री ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। घरेलू बाजार की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की घरेलू बिक्री जुलाई में 22.4% बढ़कर 1,54,001 वाहन रही है और जो पिछले साल इसी माह में 1,25,778 इकाई थी।
भारतीय बाजार में स्कूटर सेगमेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी होंडा ने अपना नया ऑटोमेटिक स्कूटर CLIQ जयपुर में लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर की कीमत 40,784 रुपए रखी गई है। कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO मिनोरु काटो ने कहा कि भारत में बेचे जाने वाले हर 10 में से 6 वाहन 110 सीसी सेगमेंट के होते हैं। अब तक रियलिटी शो में दर्शक कई तरह का मसाला देख चुके हैं। इनमें डांस, सिंगिंग, कॉमेडी, डेटिंग, स्टंट और बिग बॉस के घर जैसी पॉलिटिक्स हम देख चुके हैं। अब कुछ नया होने जा रहा है। दरअसल जल्द ही एक नया रियलिटी शो शुरू होने जा रहा है जिसमें कंटेस्टेंट से सिर्फ भजन सुने जाएंगे। बेशक इसे सिंगिंग रियलिटी शोज की अगली कड़ी कहा जा सकता है, लेकिन भजन वाला कॉन्सेप्ट तो नया ही है। शेविंग क्रीम के ऐड को लेकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को भोपाल की एक स्थानीय अदालत ने नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शाहरुख खान सहित 4 प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए सभी को 26 अगस्त को अदालत में अपने जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली अपने शहर में टैक्सी में सफर करते हुए नजर आए। गांगुली को कोलकाता के ही एक होटल में BCCI की बैठक के लिए जाना था। इसी बीच उनके BMW खराब हो गई, जिसके बाद गांगुली कैब लेकर मीटिंग में पहुंचे। इससे पहले भी हाल ही में गांगुली को ट्रेन का भी सफर करते देखा गया। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।